प्लीज वेलकम मिस्टर रवि किशन, मिस्टर सचिन खेड़ेकर एंड सोनाली कुलकर्णी। रवि भैया, फिल्मों में, टीवी में, पॉलिटिक्स में और अब ओटीटी पे भी आप इतना छा रहे हो, सच सच बताना, आपके मन में कभी कभी तो आता होगा कि जितना मर्जी बकवास मचा लूं, जो मजा शर्मा जी के साथ आता है वो कहीं और नहीं आता है। मैंने इतनी सारी फिल्में की, मुझे कभी तुमसे शो पे मिलने का मौका नहीं मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे शो पे आई हैं। लेकिन सिर्फ हिंदी इंग्लिश की बातें करोगे, मराठी बोल थोड़ा। मला मराठी आहे, शेट्टी बार आणि रेस्टॉरंट। मुंबईत राहतोस के सगळे छान छान ऍक्टर्स आहेत आणि आमच्याशी मराठीत बोलत नाहीस। पण तुझी एनी देर ते बोलले जाते मेनू वरती बोलू नका। जिथे आपण राहतो तिथला थोडं यायला पाहिजे की नाही? गलत आहे, ठीक आहे, मी मानना आहे सारी गालू। सोनाली मॅम, ओव्हरऑल अगर मैं पूछूं, जी से मॅम, मी मुळीच तुझ्याशी बोलणार नाही, मला जी आणि मॅडम म्हणालास तर सोनाली म्हण। लिसन बेबी, सचिन सर ना मराठी में जो केबीसी आता है, कौन होनार करोड़पति, वो भी होस्ट करते हैं। जी, ये जो शो है केबीसी, ये बच्चन साहब के साथ इसकी पहचान है एक्चुअली। तो जो उनके शो की गरिमा है जी, उससे पहले ही दबे रहते हैं लोग। हाँ, पर मैंने एक बात देखी, ऐसे सोनाली जी जैसी ब्यूटीफुल लड़की चली जाए ना, तो बच्चन साहब के सवाल अलग हो जाते हैं, गुलाब का फूल किस रंग का होता है। और हम जैसे चले जाए, हमायूं कब आया था? अगर हम बता भी दें कि इस साल आया था, इस दिन आया था, फिर आगे बढ़ते हैं, कितने बजे आया था? कल मैं पार्टी में था। किसकी पार्टी में थे? नहीं, किसी की पार्टी में नहीं था, चुनाव का माहौल चल रहा है ना। तो ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, मैं बहुत डिमांड में रहता हूँ, सब मुझे बुलाते रहते हैं, क्योंकि इस वक्त में उन्हें नारों की बहुत जरूरत होती है। तो आप नारे लगाते हैं? नहीं नहीं, मैं नारे बेचता हूँ, ये वाले। सर आप ना मेरे को नाला सुपारा में 2 दिन के लिए लगेंगे। क्यों लगेंगे भाई? एज प्रोड्यूसर लगेंगे। तो हमने बहुत सारी भोजपुरी फिल्में लिखी हैं। हाँ। ये पिक्चर है, उसका टाइटल है हाँ। खिला के खोआ हाँ। भौजी भागी गोवा।